हेलो एवरीवन, देखिए हमने एडवांस मैथ्स में आपकी क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसमें क्लास वन और टू में मैंने कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे, साथ में कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे। और आज की इस वीडियो में हम आपको फॉर्मूले जो पहले हम बता चुके हैं उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लें, जिसमें हमने सारे फॉर्मूले भी बताए हैं और कैसे टेबल बनती है बहुत इजी तरीका आपको बताया है, और फॉर्मूले याद करने का सबसे अच्छा तरीका बताया है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये पार्ट थ्री है ट्रिग्नोमेट्री की, और ट्रिग्नोमेट्री में आज हम वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें समझ लीजिए ये क्लास थ्री है और इसमें वही क्वेश्चन होंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में रूट फाइव टेन थीटा इज इक्वल टू फाइव साइन थीटा दिया है और बताना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए कि आपको जैसे यहाँ टेन है और ये साइन है, तो पहले तो हम ये नोट कर लेते हैं, उतार लेते हैं ऐसे ही। अब आपको क्या करना है कि सारे टर्म को पहले तो हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने ये लिख दिया, ठीक है, अब देखिए बीच में इक्वल लगा है, अगर ये इनटू में है तो ऊपर की वैल्यू ऊपर से कट हो सकती है, तो हम क्या करेंगे इसको इससे कैंसिल कर देंगे, और ये रूट फाइव से रूट फाइव कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, या हम एक काम करते हैं इसको अपॉन वन करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा फाइव कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट फाइव। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट फाइव अपॉन फाइव। अब देखिए यहाँ पे रूट फाइव है, ये फाइव है, तो रूट फाइव को इससे कट करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइव को लिख देंगे रूट फाइव इंटू रूट फाइव। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, मतलब वन अपॉन रूट फाइव वैल्यू किसकी आ गई, कॉस थीटा की। अब आपको बताना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे साइन को भी कॉस में कन्वर्ट कर दें, तो आइडेंटिटी लगा दें वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने फर्स्ट आइडेंटिटी यूज की है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आ गया आपका, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब वन माइनस टू इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, वन अपॉन रूट फाइव का होल स्क्वायर, रूट फाइव का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा वन माइनस टू अपॉन, और रूट फाइव इंटू रूट फाइव तो फाइव होता है, तो अपॉन फाइव लिख देंगे यहाँ। अब फाइव को एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, फाइव माइनस टू मतलब थ्री बाई फाइव, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, मतलब मेन चीज है कि जहां पे 10 देखें वहां पे साइन कॉस में कन्वर्ट करके एक सिंगल उसमें वैल्यू ले आएं और उसको सिंपल सॉल्व कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए थर्ड तो क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं और हमने पूरी सीरीज स्टार्ट की है, जब ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी तो वन टू थ्री से लेकर जहां क्वेश्चन छोड़ेंगे उसके आगे ही हम इसको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव देख लीजिए, सेवन साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर दे रखा है, थीटा बताना है जो जीरो और नाइन्टी के बीच में लाई करता है। अब इसमें देख लीजिए एक साइन में दे रखा है और एक कॉस में दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको एक ही चीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे अब ये साइन में दिया तो उसको साइन में ही रहने दें, और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब हमने फर्स्ट आइडेंटिटी हमने यूज़ की, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं प्लस थ्री माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस क्यों आया, प्लस इंटू माइनस माइनस इज इक्वल टू फोर। ठीक है, अब देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो सेवन में से थ्री को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा फोर माइनस थ्री, तो अब कितना आएगा, फोर साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/2। अब साइन 1/2 किस में होता है, जस्ट टेबल आपको बनवाई थी पार्ट 1 में, तो उसके अकॉर्डिंग साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1/2 के प्लेस पे 30 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ जो आंसर्स हैं वो पाई के फॉर्म में हैं, तो पाई के फॉर्म में इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, पाई में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कट कर दीजिए, पाई बाई 6, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, डैश डैश का मतलब जो मिसिंग टर्म है वो सारे, और फिर 10 89 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है ये समझ लीजिए। जो हमने फॉर्मूला आपको बताया है पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में, वही फॉर्मूला लगेगा। अगर यहाँ पे 10 1 डिग्री है, ठीक है, और 10 2 डिग्री है, तो डैश डैश करके कहीं पर 10 45 डिग्री भी होगा, फिर डैश 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 करके लास्ट में 89 है, तो हम इसको लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 1, ठीक है। 90 डिग्री माइनस 1 हमने किसको लिखा, 89 डिग्री को, ठीक। तो इससे पहले जो होगा वो क्या होगा, 10 89 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। अब ये 10 90 माइनस थीटा, यहाँ पे एक मिनट, 90 यहाँ पे 2 डिग्री है ना, -2 हो जाएगा, ठीक है। मैं स्पेस एक्चुअली कम है तो मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, चलिए 10 इंटू में है, प्लस नहीं लगेगा, 90 माइनस 1 जो हमने लिखा है वो 89 को लिखा है, 89 से पहले क्या होगा 88 होगा, तो 88 को कैसे लिखेंगे, 10 90 माइनस 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज, और 10 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, ठीक। और 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री इनटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, ये मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था, तो cot 2 डिग्री हो गया, फिर ये हो जाएगा cot 1 डिग्री। अब देखिए ये भी बताया था कि 10 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री 1 होता है, ठीक है, 10 2 डिग्री cot 2 डिग्री 1 होता है, तो सारे ये 1 हो जाएंगे, इसका मतलब आंसर क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज आंसर 1, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने ये एक्सप्लेन करके बताया, बट ऐसे देखकर भी आप डायरेक्ट आंसर 1 टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखिए बिल्कुल पहले की तरह ही है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कहीं भी 1 2 3 4 डैश डैश कहीं पर तो बीच में cos 90 आएगा, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, फिर cos 90 डिग्री, फिर cos 177 डिग्री, 179 डिग्री, ठीक है। तो अब कहीं पर cos 90 आया, और cos 90 क्या होता है, 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब कोई भी नंबर हो यहाँ पर तो आंसर क्या आएगा, 0, 0 मीन्स ए करेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक है, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में समझ लीजिए, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है, ये 4 ऑप्शन हैं और ये एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिर्फ एक वैल्यू को चेंज करना पड़ता है ताकि फॉर्मूला लग जाए, ठीक है। तो अगर हम इसको एज इट इज ले लें, साइन को, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है, हम चेंज किसको कर रहे हैं, इसको, तो साइन स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ठीक है। मतलब हमने 65 को ब्रेक किया 90 माइनस 25, क्लियर। तो अब आपको क्या करना है,
अब क्या करना है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ये पूरा थीटा हो गया। यहाँ पर ऐसे ही उतार दिया, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों क्या हो गए, 1, तो आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको करने हों तब आप केवल एक वैल्यू को चेंज करिए और दूसरी वैल्यू को एज इट इज उतारिए। इसमें ऐसे भी कर सकते थे, अगर हम इसको ना चेंज करते तो इसको आप एज इट इज उतारते, इसको चेंज कर देते और 25 की जगह हम क्या लिखते, 90 डिग्री माइनस 65, और बिल्कुल इस तरीके से करते तब भी हमारा आंसर 1 आ जाता। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू रूट 3 दे रखा है और कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट अगर इसको क्यूबिक बोथ साइड कर दें, मतलब दोनों तरफ क्या कर दें, क्यूब कर दें, ठीक है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू रूट 3, अब इसे यहाँ पे क्या लिख दें, क्यूबिक बोथ साइड्स, ठीक है, बहुत ध्यान से करिएगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, क्यूबिक बोथ साइड का हम एक लाइन और लिख देते हैं, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू रूट 3 का होल क्यूब, ठीक है। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको a माना इसको b माना, प्लस 3ab, a का मतलब cos थीटा, b का मतलब sec थीटा, इंटू a प्लस बी यानी cos थीटा इन प्लस sec थीटा, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको जब हम इंटू करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 को 3 बार, तो क्या आएगा, 3√3 आ जाएगा ये, ठीक। अब क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा की वैल्यू बतानी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये तो निकालना ही है तो इसको तो हम एज इट इज उतार लेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा को तो कॉस थीटा ही लिखेंगे, लेकिन सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, और ये दोनों कैंसिल हो गए, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, ये भी बताया था आपको, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये आ गया। अब कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू रूट 3 है, यहाँ रूट 3 लिख दीजिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 3√3 आ गया, अब ये उस साइड चला जाएगा, कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3√3 माइनस 3√3, सॉल्व करेंगे 0 आ गया, मीन सी आंसर करेक्ट आ गया। क्लियर, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, देखिए एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चन किया है उसमें क्या बताया था आपको, एक वैल्यू सेम रखनी है, दूसरे को चेंज करना है, कोई भी वैल्यू चेंज करें। अब जैसे मान लीजिए कि ऊपर की वैल्यू हम इसमें चेंज कर दें और ये 25 एज इट इज रहने दें, ठीक है, तो हम ऊपर की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसको, साइन, देखिए क्वेश्चन में साइन 65 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 25, 65 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 25, ठीक है, अपॉन ये वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, सेम वैल्यू थी, 1 आ गया, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट आ गया। क्लियर, ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल देखते ही आंसर इसका आ जाएगा, 2 आंसर आएगा, क्योंकि इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा, आंसर 1+1 इज 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए स्टेप वाइज देख लीजिए, हम इसमें ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिखें, चाहे ऊपर की चेंज करिए चाहे नीचे की चेंज करिए, एक ही वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है,
तो ऊपर की हमने बिल्कुल ऐसी ही लिख ली और नीचे की चेंज की है, 90 माइनस 27, 63 की जगह लिखा, और ये है होल स्क्वायर प्लस। इसमें भी हम नीचे की ही चेंज कर लें। अब देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अब ये 27 है, ये 27 है, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को हम 27 डिग्री में ले आए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे तो 27 दिया है, लेकिन हम ऊपर की वैल्यू को अब चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि इसको 27 डिग्री में ही लेकर के आएंगे, तभी हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो कॉस को हम क्या लिख देंगे, 90 डिग्री माइनस 27, ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर। अब क्या करना है, साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा, ठीक है। तो साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस का साइन हो जाएगा साइन 27 डिग्री, ये तो सारे कट गए, ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल। 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 इज 2, 2 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले तो देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, जब भी कभी रूट लगा हो, नीचे की वैल्यूज ये पॉजिटिव हो, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ऐसे क्वेश्चन में जब रूट लगा तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी ये समझ लीजिए कि रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, अभी हमने सिर्फ इतना उतारा है, इसको रेशलाइज का मतलब क्या है, नीचे जो भी दिया होगा, यहाँ पे जो भी साइन होगा माइनस का है, तो प्लस से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, अगर प्लस का होता तो माइनस से इंटू करते, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, क्लियर। देखिए सब में ब्रैकेट लगा दिया हमने, नीचे तो बन गया फॉर्मूला, अब हम आगे भी इसको कर लें, जैसे ये वाला है रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, अब इसमें किससे इंटू करेंगे, रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इससे इंटू कर देंगे, इसको रूट लगा दें, ठीक है। इसको भी हमने रेशलाइज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था इसलिए माइनस लगा के ऊपर नीचे इसे इंटू कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर तो हो गया आपका होल स्क्वायर, सेम वैल्यू है, तो होल स्क्वायर का जब रूट लेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर हट जाएगा, यानी ऊपर की वैल्यू तो हो गई 1 प्लस साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, रूट 1a माइनस b a प्लस b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ जाएगा इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे की वैल्यू को नीचे से इंटू करिए और ये फॉर्मूला भी बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट होगा, ये दोनों वैल्यू सेम हो गई तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में, ठीक है। अब फर्स्ट आइडेंटिटी जो बताई थी हमने वो क्या होगी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा होता है लेकिन रूट से बाहर कर लिया तो स्क्वायर हट गया, ठीक है। ऐसे इसका आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अब देखिए कॉस थीटा दोनों में है, एलसीएम ले लीजिए कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 अपॉन कॉस थीटा, 2 अपॉन कॉस थीटा का मतलब 2 sec थीटा, या ये दोनों आंसर करेक्ट हैं, और ये अगर ऑप्शन में दिया होगा तो आंसर टिक करेंगे, अदरवाइज हम डी ऑप्शन लगा देंगे। इसमें देख लेते हैं 2 sec थीटा आंसर में नहीं है, इसलिए हम डी लगा देंगे, नन ऑफ दिस, ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने 12 तक क्वेश्चन सॉल्व किए, नेक्स्ट वीडियो में हम 13 से लेकर के आगे तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सारे वही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए मैं वीडियो ओवर करती हूँ, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन, जय हिंद जय भारत।